मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली के सिहावल पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर भाजपा और आरएसएस को भी जमकर कोसा। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद ही चूक करते रहते हैं और फिर गलत बयानबाजी करते हैं। अगर देश में बैठे हुए प्रधानमंत्री ये बोले, जो पूरे देश के हैं, वो ये बोले कि अपने मुख्यमंत्री को संदेश कहलवा देना, तो इससे समझ में आता है कि देश के प्रधानमंत्री अपने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को अपना नहीं मानते, वो अपने आप को देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक पार्टी का प्रधानमंत्री मानते हैं, और वो लोग ही इस तरह की बयानबाजी कर सकते हैं। कभी हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री का ना कभी फोन बंद हुआ है, और हमारे नेता हमेशा जो देश का संविधान है, जो देश के संविधान की गाइडलाइन है, उसका पालन करते हैं। ये वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और देश के संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर झूठ बोले, गलत बयानबाजी बोले, देश का प्रधानमंत्री 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही थी, अच्छे दिन लाने की बात कही थी, काला धन वापस लाने की बात कही थी, 2000 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, कहाँ है ये सारे वादे? इस पे भी तो चर्चा करें प्रधानमंत्री जो भाजपा के लिए।